प्रिय दर्शकों, भगवद गीता का सार को समझना हर मनुष्य को प्रेरित करता है और उन्हें अच्छे मूल्यों की खेती करने में मदद करता है। यहाँ 10 कालातीत सिद्धांतों की सूची दी गई है, इसे हर व्यक्ति गीता से सीख सकते हैं। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्रीमद् भगवद गीता में जिंदगी की सभी परेशानियों का हल बताया गया है, जैसे मन में कोई दुविधा, कोई निर्णय लेने में तकलीफ या फिर बिजनेस मैनेजमेंट ही क्यों न हो। हालांकि यह पौराणिक किताब सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन आज भी इससे जिंदगी में कामयाब बनने का अचूक ज्ञान लिया जा रहा है। भगवद गीता हिंदुओं में सर्वोच्च माना जाता है। इसमें हर उस समस्या का समाधान मिल जाएगा जो हर दूसरे दिन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे में अगर आप भगवद गीता के बताए गए इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपकी हर एक परेशानी का हल मिल जाएगा। इसके साथ ही गीता से आप कारोबार को सफल बनाने का मंत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं भगवद गीता में कही गई ऐसी बातें जिन पर अमल कर आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। भगवद गीता या गीता कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाला प्रवचन है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने जीवन के बारे में अर्जुन के दृष्टिकोण और इस प्रकार उनके जीवन पथ को बदलने में मदद की। जबकि गीता कई सदियों पुरानी है, इसके हर शब्द में निहित तर्क और ज्ञान इसे एक कालातीत मार्गदर्शक बनाते हैं। भगवद गीता के चिरस्थायी मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे और क्यों की गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। तो भगवद गीता पढ़ने और सुनने के कई फायदे हैं। हर इंसान को भगवद गीता के महत्व से भी अवगत कराना चाहिए, क्योंकि यह आत्म जांच की आदत को प्रोत्साहित कर सकता है और जीवन के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में उनका मार्गदर्शन कर सकता है। दैनिक जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का कितना महत्व है। भगवद गीता हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा से परिचित कराती है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का जिक्र करने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। भगवद गीता को पढ़ना हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराता है और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हम कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने और सुनने के क्या लाभ होते हैं। भगवद गीता के श्लोक हमें मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से और सुनने से हमें आत्म नियंत्रण के महत्व और इसका अभ्यास करने के तरीके को समझने में मदद मिलती है। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि बिना इच्छा के निष्काम कर्म या क्रिया का अभ्यास कैसे करें। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर हम भौतिकवाद और दोषों से दूर रहना सीखते हैं। भगवद गीता को पढ़ने से हमें जीवन का एक अलग नजरिया मिलता है। जीवन सबक जो वयस्क और बच्चे श्रीमद् भगवद गीता से सीख सकते हैं। सही दृष्टिकोण विकसित करें, ये श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन भ्रमित और उदास महसूस कर रहा था। उसने लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने कार्यों के परिणाम की कल्पना करने में विफल रहा। चीजों को सही तरीके से समझना हमें यह समझने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमें क्या करना चाहिए,
हमें यह क्यों करना चाहिए। चीजों की योजना में हमारी भूमिका और वे हमारे दृष्टिकोण को कैसे आकार देते हैं। परिप्रेक्ष्य लेने में बच्चों की मदद कैसे करें। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, अपने अनुभवों के आधार पर हम एक निश्चित तरीके से सोचना सीखते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि केवल हमारी मान्यताएं ही सही हैं और जो हमसे भिन्न हैं, वे गलत हैं। इसलिए अपने बच्चे को यह सीखने में मदद करें कि दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन उनकी राय से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। उसे दूसरों के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। समझें कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्रीमद् भगवद् गीता के अनुसार सब कुछ बदलना है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर भावनाओं और धारणाओं के साथ साथ हमारे आसपास की हर चीज प्रवाह की स्थिति में है। फिर भी जब हमें कहा जाता है कि हमें बदलने की जरूरत है, तो हम सलाह को स्वीकार करने से हिचकते हैं या हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। सफल होने के लिए एक व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, नवाचार करना चाहिए और बेहतर समाधान के साथ आना चाहिए और नए अवसरों का पता लगाना चाहिए। इसलिए जब आप परिचित परिवेश में होने के अनुभव का आनंद लेते हैं, तो छोटे जोखिम लेने के लिए तैयार रहें और नए अनुभवों का लाभ उठाएं। परिवर्तनों को समायोजित करने में अपने बच्चे की सहायता कैसे करें। किसी भी आसन्न परिवर्तन के बारे में अपने बच्चे के प्रश्नों का उत्तर दें। उसे आश्वस्त करें कि परिवर्तन होने में समय लगेगा और उसके पास नई स्थिति में समायोजित होने का समय होगा। साथ ही उसे उन सकारात्मकताओं के बारे में बताएं जो परिवर्तन उसके जीवन में ला सकते हैं। सहनशीलता और क्षमा का अभ्यास करें। सहनशीलता हमें जीवन की कठिनाइयों का संभाव के साथ सामना करना और उकसाए जाने पर भी बल प्रयोग से बचना सिखाती है। क्षमा हमें अन्याय को क्षमा करने और शत्रुता की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। ये दोनों गुण रिश्तों को बनाए रखने और पोषित करने, सहानुभूति और प्रेम की भावनाओं को विकसित करने और विभाजनकारी विचारों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन दो मूल्यों ने पांडव भाइयों को बांधने वाले रिश्ते का आधार बनाया। अपने बच्चे को सहनशील और क्षमाशील होना कैसे सिखाएं? सहिष्णुता और क्षमा को दर्शाने वाली कहानियों और उदाहरणों का खजाना है। अपने बच्चे को कुछ ऐसी कहानियां सुनाएं। साथ ही उसे लोगों के सहिष्णु और क्षमाशील होने के वास्तविक जीवन के उदाहरणों के बारे में बताएं। अपने सोचने का तरीका बदलें। सकारात्मक विचार रखने से हमें एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करने, आत्मविश्वासी रहने, नकारात्मक धारणाओं को दूर करने, चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में मदद मिलती है। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग पर हावी न होने दें और अपने अवसरों को बर्बाद न करें। आभारी होना, ध्यान करना, समाज को वापस देना, प्रेरक साहित्य पढ़ना कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चे के सोचने के तरीके को कैसे बदलें? अपने बच्चे को उसके सोचने के तरीके में लचीला होना सिखाएं। उसे बताएं कि काम नहीं करने वाली चीजों से निराश होने के बजाय उसे एक नया तरीका अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तकनीक का अभ्यास करने से उसे लचीली सोच अपनाने में मदद मिलेगी। शांत रहें। एक शांत मन हमें अपने आवेगों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। अच्छे और बुरे दोनों समय के दौरान अस्थिर और आशावान बने रहेंगे और तनाव को नियंत्रण में रखेंगे।
यह हमें विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने, हमारे विकल्पों को तौलने और हमारी ऊर्जा को लाभकारी प्रयासों की ओर ले जाने में भी मदद करेगा। यह ज्ञान की परिवर्तन अपरिहार्य है, हमें शांत रहने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अपने बच्चे को शांत रहना कैसे सिखाएं? श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है? बच्चे आसानी से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अभी तक पर्याप्त मुकाबला करने का कौशल नहीं है। अपने बच्चे को सिखाएं कि जब वह परेशान हो तो खुद को शांत कैसे रखें। उदाहरण के लिए गहरी सांसें लेना, 50 तक गिनना या एक छोटा ब्रेक लेना। विश्व के कल्याण के लिए कार्य करें। हम जो भी कार्य करते हैं उनमें से अधिकांश केवल हमारे अपने लाभ के लिए ही किए जाते हैं। हम शायद ही कभी इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह मानसिकता हमें स्वार्थी तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर करती है और हमें अपने आसपास के लोगों से अलग करती है। दूसरी ओर निस्वार्थता हमें यह महसूस करने में मदद करती है कि दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करें और हमारे आसपास के लोगों के साथ बंधन में मदद करें। अपने बच्चे को परोपकारी होना कैसे सिखाएं? अपने बच्चे को एक देखभाल करने वाले और दयालु बच्चे के रूप में विकसित करने में मदद करने के लिए उसे अपने कुछ खिलौने और कपड़े जरूरतमंद लोगों को दान करने, साथियों की मदद करने और स्वयंसेवी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करें। निडर रहें। डर हर जीवित प्राणी में मौजूद प्राथमिक भावनाओं में से एक है। मनुष्यों में भय ज्ञान की कमी और इसके परिणाम स्वरूप भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहें, क्योंकि ये वही हैं जो आपको अज्ञात को समझने में मदद करेंगे और आपके डर और झिझक को दूर करेंगे। जीवन में हमें काम कैसे चुनना चाहिए? जिंदगी में हरेक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम का चयन करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के काम को देखकर। जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती हो उसी काम को करें। ठीक उसी तरह किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले यह जरूर ध्यान में रखें कि क्या आपकी उस प्रोडक्ट में दिलचस्पी है, क्योंकि जब तक आपका उस काम में मन नहीं लगेगा तब तक आप अपने कारोबार में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें, फल की इच्छा न करें। भगवद गीता में लिखा हुआ है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। वर्तमान में लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक ऐसे ही किसी कारोबार को शुरू करने से पहले अगर उससे होने वाले मुनाफे की चिंता की जाए तो सफलता दूर हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि प्रॉफिट के बारे में ना सोचकर अपने बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान दें। जिंदगी में कभी लालच ना करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग लालच के चक्कर में अपनों के साथ धोखा कर बैठते हैं, जिसका पछतावा उन्हें बाद में होता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि जिस भी व्यक्ति ने लालच पर नियंत्रण पा लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो भूलकर भी लालच ना करें, क्योंकि अधिक लालच की वजह से आप गलत रास्ते पर चल सकते हैं। ऐसे में कारोबार पूरी तरह से तहस नहस हो सकता है। इसलिए ईमानदारी के साथ ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ने की कोशिश करें, खुद पर संयम रखें। पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है।
जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। यानी किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर काबू रखे, गुस्से में आकर कोई कदम नहीं उठाए, नहीं कुछ बोले। गुस्से में बात बनने की जगह बिगड़ जाती है, इसलिए कारोबार करते समय भी अपने गुस्से पर संयम बनाकर रखें, ताकि आपके ग्राहक हमेशा आपसे खुश रहे, क्योंकि कारोबार में ग्राहक ही सब कुछ होता है। अगर आपको अपने कारोबार में सफल होना है तो श्रीमद् भगवद् गीता में लिखी हुई बातों पर जरूर अमल करें, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। भारतीय दर्शन की सामान्य अवधारणा के साथ भगवद् गीता भी मानती है कि मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं रूप, शब्द, गंध, स्पर्श और रस, और कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, वाणी, मल विसर्जन और प्रजनन की इंद्रियां। मन को 11वीं इंद्रिय माना जाता है, जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच नियामक का काम करता है। ये इंद्रियां और मन हमारे ज्ञान और कर्म के साधन मात्र न होकर इस संसार को भोगने के भी साधन हैं। संसार का सुख भोगने में मन विचार और कल्पना के द्वारा भी सहायता करता है। मनुष्य का मन संसार की सबसे अशांत चीज है। इस अशांति के कारण ही मनुष्य संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधनों की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य को अपनी इच्छा की एक वस्तु मिलती है, उसका अशांत मन तुरंत किसी दूसरी चीज की तलाश में दौड़ने लगता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह दौड़ भाग मनुष्य के जीवन के अंत तक चलती रहती है। गीता में बताए गए योग का एक प्रमुख उद्देश्य अशांत मन पर नियंत्रण करना है। गीता हमसे इंद्रियों के भोगों को छोड़ने के लिए नहीं कहती। गीता का उपदेश है कि हमें मन पर नियंत्रण रखते हुए इंद्रियों के विषयों का भोग करना चाहिए। मन का एक प्रमुख काम भाषा और विचार को जन्म देना है। मन और भाषा सदा साथ साथ रहते हैं। जब तक मनुष्य के मस्तिष्क में मन सक्रिय है, भाषा का जन्म होगा ही। यदि हम चिंतन की भी भाषा को मिलाकर देखें तो पाएंगे कि हमारी भाषा का 99% से ज्यादा अनावश्यक है। यह अनावश्यक भाषा स्पष्टता लाने के बजाय भ्रांति ही अधिक पैदा करती है। गीता का कहना है कि मनुष्य को शब्दों के ऊपर उठना है। इनमें धार्मिक ग्रंथों के शब्द भी शामिल हैं। बुद्धि का स्थान मन के ऊपर है। बुद्धि की अवस्था पर भाषा का कार्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था में मनुष्य शब्दों के व्यवधान के बिना सत्य का सीधा साक्षात्कार करता है। यदि हम मन की सीमा को जानकर उसके ऊपर उठ सकें, तो हम बुद्धि की अवस्था पर पहुंच सकते हैं। गीता में योग शब्द को एक नहीं बल्कि कई अर्थों में प्रयोग हुआ है, लेकिन हर योग अंत में ईश्वर से मिलने मार्ग से ही जुड़ता है। योग का मतलब है आत्मा से परमात्मा का मिलन। गीता में योग के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः 3 योग का वास्ता मनुष्य से अधिक होता है। ये 3 योग हैं ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन रिश्ते नातों में उलझकर मोह में बंध रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताया था कि जीवन में सबसे बड़ा योग कुछ है तो वह है कर्म योग। उन्होंने बताया था कि कर्म योग से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, वह स्वयं भी कर्म योग से बंधे हैं। कर्म योग ईश्वर को भी बंधन में बांधे हुए रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि भगवान शिव से बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, और वह कैलाश पर ध्यान योग मुद्रा में लीन रहते हैं।
श्री कृष्ण योग ने अर्जुन को 18 प्रकार के योग मुद्रा के बारे में जानकारी देकर उनके मन के मैल को साफ किया था। क्या है ये 18 योग मुद्राएं? गीता में उल्लेखित श्री कृष्ण के इस ज्ञान को आइए हम भी जानें। विषाद यानी दुख। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपनों को सामने देखा तो वह विषाद योग से भर गए। उनके मन में निराशा और अपनों के नाश का भय हावी होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन से यह भय दूर करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वही गीता बनी। उन्होंने सर्वप्रथम विषाद योग से अर्जुन को दूर किया और युद्ध के लिए तैयार किया था। सांख्य योग के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष की प्रकृति और उसके अंदर मौजूद तत्वों के बारे में समझाया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को जब भी लगे कि उस पर दुख या विषाद हावी हो रहा है, उसे सांख्य योग यानी पुरुष प्रकृति का विश्लेषण करना चाहिए। मनुष्य 5 सांख्य से बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अंत में मनुष्य इसी में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। इस योग से देवता भी नहीं बच सकते। कर्म योग से सभी बंधे हैं। सभी को कर्म करना है। इस बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। साथ ही यह भी समझाया कि कर्म करना मनुष्य का पहला धर्म है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि सूर्य और चंद्रमा भी अपने कर्म मार्ग पर निरंतर प्रशस्त रहते हैं। तुम्हें भी कर्मशील बनना होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि ज्ञान अमृत समान होता है। इसे जो पी लेता है उसे कभी कोई बंधन नहीं बांध सकता। ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। ज्ञान मनुष्य को कर्म बंधनों में रहकर भी भौतिक संसर्ग से विमुक्त बना देता है। इस योग में मनुष्य किसी खोज पर निकलता है। सत्य की खोज विज्ञान योग का ही अंग है। इस मार्ग पर बिना किसी संकोच के मनुष्य को चलना चाहिए। विज्ञान योग तप योग की ओर ही अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अक्षर ब्रह्मा योग की प्राप्ति से ही ब्रह्मा, अधिदेव, अध्यात्म और आत्म संयम की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अपने भौतिक जीवन का निर्वाह शून्य से करना चाहिए। अक्षर ब्रह्मा योग के लिए मनुष्य को अपने अंदर के हर विचार और सोच को बाहर करना होता है। नए सिरे से मन को शुद्ध कर इस योग को कराना होता है। इस योग में स्थिर रहकर व्यक्ति परम ब्रह्मा के ज्ञान से रूबरू होता है। मनुष्य को परम ज्ञान प्राप्ति के लिए राज विद्या गुह्य योग का आत्मसात करना चाहिए। इसे आत्मसात करने वाला ही हर बंधनों से मुक्त हो सकता है। मनुष्य विभूति विस्तार योग के जरिए ही ईश्वर के नजदीक पहुंचता है। इस योग के माध्यम से साधक ब्रह्मा में लीन होकर अपने ईश्वर मार्ग पर प्रशस्त करता है। इस योग को मनुष्य जब कर लेता है तब उसे ईश्वर के विश्वरूप का दर्शन होता है। ये अनंत योग माना गया है। ईश्वर तक विराट रूप योग के माध्यम से अपना रूप प्राप्त किए हैं। भक्ति योग ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ योग है। बिना इस योग के भगवान नहीं मिल सकते। जिस मनुष्य में भक्ति नहीं होती उसे भगवान कभी नहीं मिलते। क्षेत्र विभाग योग ही वह जरिया है जिसे जरिए मनुष्य आत्मा, परमात्मा और ज्ञान के गूढ़ रहस्य को जान पाता है। इस योग में समा जाने वाले ही साधक योगी होते हैं। भगवत गीता में वर्णित ये योग मौजूदा समय में मनुष्य की जरूरत है। इसे अपनाने वाला ही असल मायने में अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी पाता है। ध्यान और विचार। ध्यान में आप पाएंगे कि मन स्वयं की अंतरतम गहराई में पहुंच जाता है।
पर उसी समय कुछ ऐसा भी है जो आपके भीतर से बाहर की ओर आ जाता है। चिरकाल से मन में पड़ी हुई कोई गहरी छाप और अनेकों विचार बाहर आ जाते हैं और मन की गहराई खो जाती है। समय के साथ आप इस प्रक्रिया को अगर बार बार दोहराते हैं तो आप पाएंगे कि आपका पूरा स्वभाव ही बदल गया है। आप उस समय ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं जब आपके मन में उठ रहे विचार समाप्त हो जाते हैं। विचार कई तरीकों से मन में उत्पन्न होते हैं और आपको भ्रमण के लिए ले जाते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन से विचार आपको घेर कर रखते हैं? इच्छाएं, महत्वाकांक्षा, उम्मीदें, संदेह, अप्रिय यादें, तृष्णा, चिंता या परेशानी। आप जिस वस्तु की कामना करते हैं उसके होने पर भी और उसके न होने पर भी आप व्यथित रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास पैसा है तो वह भी परेशानी का कारण बन जाता है। आपको डर और चिंता लगी रहती है कि इस पैसे का निवेश करें या न करें। यदि आप उसका निवेश करते हैं तो आपको चिंता होती है कि वह बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अन्यथा आपको शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में चिंता हो जाती है। यदि आपके पास पैसे नहीं है तब तो आप चिंतित होते ही हैं। वह संपूर्ण स्वतंत्रता जिसमें चीजों के होने या न होने से आप विचलित नहीं होते हैं, मुक्ति कहलाती है। एक ऐसे बीते हुए समय के बारे में सोचें जब आप चिंताग्रस्त थे। 5 वर्ष पूर्व एक दिन आप किन चिंताओं में घिरे थे उसकी कल्पना करें। जैसे कि क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या मुझे कक्षा में कार्य को नहीं करने के लिए अपमानित होना पड़ेगा। यह उस समय के लिए एक बड़ी बात रही होगी, लेकिन आज आप अपनी उस पुरानी चिंता को याद भी नहीं करते हैं। हर बार जब आप चिंता करते हो तो वह आपको ताजी और नई लगती है। जब आप उन चिंताओं को याद करते हैं जो आज पुरानी हो चुकी हैं और अब चिंता का कारण नहीं रही हैं, तो फिर यह भी मानकर चलिए कि आपकी आज की चिंता भी वास्तव में पुरानी और बासी है। चिंता द्वारा घिरे रहने का कारण एक ही है, आपका भ्रम कि आप सदैव जीवित रहेंगे। इच्छा का अर्थ है कि आपको वर्तमान का समय ठीक नहीं लग रहा है। इच्छाएं मन में तनावों को जन्म देती हैं। प्रत्येक इच्छा तृष्णा उत्पन्न होने का कारण बन जाती है। इस स्थिति में ध्यान का लगना संभव नहीं है। आप अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाते हैं परंतु इच्छा और विचार उत्पन्न होते रहते हैं। आप स्वयं को मूर्ख बनाते रहते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप दिन में सपने देख रहे होते हैं। जब तक आपके मन में इच्छाएं चलती रहेंगी आपको पूर्ण विश्राम नहीं मिलेगा। आपको योग यानी स्वयं के साथ मिलन की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक आप अपनी इच्छाओं या लालसाओं का त्याग नहीं करेंगे। प्रत्येक इच्छा या महत्वाकांक्षा आंखों में एक रेत के कण के समान है। कण आंख के भीतर होने से न तो आप आंखों को खोल के रख सकते हैं और न ही उसे बंद कर सकते हैं। वह दोनों स्थितियों में असुविधाजनक है। वैराग्य इस धूल के कण को आंखों से निकालने के समान है, जिससे आप आंखों को स्वतंत्र रूप से खोल या बंद कर सकें। इस परेशानी से मुक्त होने का एक दूसरा उपाय यह है कि अपनी इच्छा का विस्तार कर उसे बड़ा बना दें। सिर्फ एक छोटा सा रेत का कण आपकी आंखों में परेशानी दे सकता है, परंतु एक बड़ा पत्थर या चट्टान आपकी आंखों के भीतर कभी जा ही नहीं सकता। आपका आपकी इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ तक कि आप स्वयं को यह कहें कि इच्छाएं दुख का कारण हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, मैं कब इच्छाओं से मुक्त होऊंगा? तो यह भी एक इच्छा है।
इसलिए जब इच्छाएं आती हैं, तो उन्हें पहचाने और जाने दें। इस प्रक्रिया को संन्यास कहते हैं। जब कोई इच्छा आप में उठती है और आप उसे समर्पित करके केंद्रित हो जाते हैं, तो फिर आप अडिग हो जाएंगे और कुछ भी आपको केंद्र से दूर नहीं कर सकेगा। जब तक आप किसी योजना को अपने मन में पकड़ कर रखेंगे, तब तक आपका मन स्थिर नहीं हो पाएगा। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब आप बेचैनी, आवेश और इच्छा को लेकर बिस्तर में सोने जाते हैं, तो आपको गहरी नींद नहीं आती है? अति महत्वाकांक्षी लोगों को गहरी नींद नहीं आती है, क्योंकि भीतर से उनका मन मुक्त नहीं होता है। जब आप सो जाते हैं, तो कुछ समय के लिए योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं का नहीं होना सा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे वहीं होती हैं। आप निद्रा को धारण करके तभी विश्राम कर पाएंगे। जब सोने से पहले आप सब विचारों और योजनाओं को त्याग देंगे। इसी प्रकार जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं, तब भी सब कुछ छोड़ दीजिए। क्या कभी यह अनुभव किया है कि हमारे मन में सदा सकारात्मकता के बारे में संदेह अवश्य उत्पन्न होता है? जब आप खुश होते हैं, तो आप संदेह करते हैं, क्या मैं वास्तव में खुश हूँ? यदि कोई आपको बताते हैं कि वे आपसे प्रेम करते हैं, तो आप कहते हैं, वास्तव में? क्या आपको सचमुच यकीन है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं? हम अपने जीवन में कभी भी किसी नकारात्मकता पर संदेह नहीं करते हैं। जैसे कि आप किसी अन्य के या स्वयं के क्रोध पर कभी संदेह नहीं करते हैं। आप कभी अपने मानसिक अवसाद या उदासी पर भी संदेह नहीं करते हैं। यदि कोई आपको बताते हैं कि वे आपसे नफरत करते हैं, तो आप उस पर भी संदेह नहीं करेंगे। यदि आप लोगों की नकारात्मकता पर संदेह कर पाओ, तो आप वास्तविकता के करीब आ जाओगे। इस सजगता के साथ जब आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है, तब आप देखेंगे कि आपके मन के सब संदेह गायब हो गए हैं। आपके मन में और अधिक स्पष्टता आ गई है। आपके मन से सब भ्रम दूर हो गए हैं। नकारात्मक विचारों से ऊपर उठने का उपाय केवल ध्यान है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर सकारात्मक विचार स्वतः और सहजता से आने लगेंगे। स्मृतियां जहां आपको प्रबुद्ध बना सकती हैं, वहीं आपको दुखी भी कर सकती हैं। आपके मन में अक्सर अप्रिय यादों का मंथन चलता रहता है। इसने यह या वह कहा, वह कितनी घमंडी थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ध्यान आपकी अप्रिय यादों में एक ऐसा बदलाव ला सकता है, जिसमें आप बीती बातों से निकलकर अपने अनंत स्वभाव की पहचान पा जाते हैं। विचारों और इच्छाओं को छोड़ते चलें। विचारों का प्रवाह आपके मन में हमेशा चलता रहता है, लेकिन आप अपने विचारों को पकड़ कर रख लेते हैं और उन्हें आसानी से जाने नहीं देते हैं। जैसे किसी रिकॉर्ड की सुई अपने खांचे में फंस जाती है। विचारों को जाने दें। ऐसा महसूस करें कि वे आपके हैं ही नहीं। किसी एक विचार या इच्छा में फंसने से दुख प्राप्त होता है। ध्यान तभी लगता है जब आपका मन विचारों से मुक्त हो जाता है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। साथ साथ अपनी अन्य गतिविधियों को करते रहें। अपने आप को परेशानियों से मुक्त रखना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान के निरंतर अभ्यास से यह संभव हो जाता है। कुछ समय पश्चात यह काफी आसान भी हो जाता है। विचारों को रोकने का, एकाग्रता लाने का या चिंतन करने का, इन सब प्रयासों को छोड़ते चलें। ध्यान के द्वारा अपने विचारों से ऊपर उठ जाएं।
अतीत के क्रोध या घटनाक्रमों और भविष्य की योजनाओं से परे हो पाने की क्षमता ध्यान से प्राप्त होती है। ध्यान के माध्यम से हम इस क्षण को स्वीकार करते हुए उसकी पूर्णता की गहराई में चले जाते हैं। केवल इस सत्य को समझ लें और कुछ दिनों के लिए ध्यान का निरंतर अभ्यास करें। आपके जीवन की गुणवत्ता में एक असीम परिवर्तन आ जाएगा। ध्यान में मिलने वाला विश्राम इतना गहन होता है जो आपको किसी गहरी निद्रा के उपरांत भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्यान में आप अपनी सारी इच्छाओं और विचारों से परे हो जाते हैं। ध्यान आपके मस्तिष्क में एक शीतलता ले आता है। यह संपूर्ण शरीर मन तंत्र की मरम्मत और पोषण करने के समान है। अब समय बदल रहा है। आजकल समाचार और अनुसंधान से एवं कथा चित्रों से हमें शाकाहारी भोजन से होने वाले अनेकों स्वास्थ्य लाभ के बारे में पता चलता है। जीव के प्रति करुणा और वातावरण के प्रति सजगता से लेकर स्वस्थ हृदय तक शाकाहारी बनने के ऐसे बहुत सारे फायदे गिनाए जाते हैं। यदि आप गूगल से पूछें शाकाहारी क्यों बने तो आपको 16 करोड़ उत्तर मिलेंगे। अब आप सोचते होंगे कि इस विषय पर हमारे पास बात करने के लिए नया क्या है। सच पूछें तो हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन की तुलना में बेहतर क्यों है, विशेषतया यदि आप नियमित रूप से ध्यान साधना करते हैं। साथ ही हम आपको लगातार 31 दिन की शाकाहारी भोजन एवं ध्यान चुनौती भी देना चाहेंगे, जिससे कि आप उन सभी फायदों का स्वयं अनुभव कर सकें। हम मानते हैं कि आपका स्वयं किया हुआ अनुभव हमारी किसी भी बात से ज्यादा प्रबल होगा, और इसीलिए हम चाहेंगे कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप इस चुनौती को स्वीकार करें और स्वयं अनुभव करें कि एक माह तक शाकाहारी भोजन करने का आपकी ध्यान साधना पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान रहे कि इस चुनौती को पार करने में आपको बहुत साहस की आवश्यकता होगी, किंतु आपके आत्मबल के चलते यह इतना मुश्किल भी नहीं है। हम भी इस चुनौती में आपका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस चुनौती के अंत में ध्यान साधना के पश्चात होने वाले अनुभव में आप कितना अंतर महसूस करते हैं, यह इस पर निर्भर करेगा कि आप इस चुनौती से पहले दिन में कितनी बार मांसाहारी भोजन करते थे। इससे पहले कि हम इस चुनौती को प्रारंभ करें, आइए यह जान लेते हैं कि शाकाहारी साधक होना क्यों अच्छा है। गहन ध्यान। क्या आप मानेंगे कि यह यात्रा अत्यधिक व्यक्तिगत, सृजनात्मक और बहुमूल्य है? यह कहा जाता है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण एवं हमारा भोजन इसका निर्धारण करते हैं कि हमारी आंतरिक यात्रा कैसी होगी। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप अपने कार्य में 100% रुचि लेते हैं और ताजे फलों, सब्जियों और अनाज इत्यादि का सेवन करते हैं, तब आप ध्यान साधना की गहराई में जा पाते हैं। इस प्रकार का भोजन पचने में आसान होता है और उसमें बहुत अधिक प्राण शक्ति और ऊर्जा समाहित होती है। प्राण शक्ति उस ऊर्जा को कहते हैं जो हमें सक्रिय और उत्साहित बनाए रखती है और आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने में हमें सहयोग देती है। निश्चित रूप से भोजन का हमारी मनस्थिति और हमारी चेतना पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। यह माना जाता है कि वनस्पति जगत की चेतना जीव जंतुओं की चेतना की तुलना में अति सूक्ष्म होती है। इसी कारण फल और सब्जियों का सेवन करने से हमारा शरीर हल्का रहता है, जिसके चलते हमें गहरा ध्यान कर सकने में सहायता मिलती है। इसीलिए जब आप शाकाहारी भोजन का नियमित सेवन करते हुए ध्यान साधना करते हैं, तब आपके मन और शरीर में बेहतर तालमेल हो पाता है
और तब आप बहुत तेजी और सरलता से अपनी ध्यान साधना में ऊपर उठ पाते हैं। शाकाहारी भोजन के साथ ध्यान साधना करने से हमें इसके प्रभाव और लाभ का शीघ्र अनुभव होने में सहायता मिलती है। क्या अब आप चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? चुनौती, चूंकि आप एक नियमित साधक हैं, हम ये मान लेते हैं कि आप प्रतिदिन कम से कम एक बार ध्यान अवश्य करते हैं। यदि ऐसा है तो आप अपनी ध्यान साधना को यथावत चालू रख सकते हैं। यदि आप नियमित ध्यान साधना नहीं करते हैं तो हमारी राय है कि आप अपनी दैनिक साधना के लिए एक सुविधाजनक समय निश्चित कर लें। अगले 31 दिनों तक केवल शाकाहारी भोजन का सेवन करें। आपके लिए क्या क्या ठीक रहेगा, इसकी जानकारी आप एकत्र कर सकते हैं। यह जानते हुए कि मांसाहारी भोजन आपको अत्यधिक प्रिय है, हम समझ सकते हैं कि शुरुआत में शाकाहारी भोजन पर निर्भर रहना आपके लिए आसान नहीं होगा। आइए देखते हैं कि इस चुनौती काल में आपको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हम अपनी ओर से आपको सर्वोत्तम सुझाव देने का प्रयास करेंगे। मैं स्वाद की अत्यधिक कमी महसूस कर रहा हूँ, उन्हीं मसालों का प्रयोग करें। संभवतया आप अपने मांसाहारी भोजन में पड़ने वाले मसालों के स्वाद को बहुत चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं से भोजन का स्वाद बढ़ता है। यदि आप अपने शाकाहारी भोजन में उन्हीं मसालों का प्रयोग करें तो संभव है कि आपको वही स्वाद मिल जाएगा। बस उन्हीं मसालों के साथ अपने मांसाहारी पकवान को शाकाहारी पकवान से बदल दें। एक और उपाय है, आप अपने पास के सुपर बाजार से सोयाबीन से बने कृत्रिम मांस या कृत्रिम चिकन खरीदकर उन्हीं मसालों का प्रयोग करें। यह कृत्रिम मांस पूर्णतया शाकाहारी होता है और आपको मांसाहारी भोजन का स्वाद भी देता है। जीवन में हर चीज का एक बेहतर विकल्प होता है, आप भी अपने स्वाद तंतुओं के लिए शाकाहारी विकल्प खोजें। आपको केवल थोड़ा सृजनात्मक होना होगा और शाकाहारी विकल्प ढूंढने होंगे। 31 दिन एक लंबा अंतराल लग रहा है, धैर्य रखें, शाकाहारी बनना आसान तो नहीं है, किंतु यह जान लें कि धीरे धीरे आपकी इच्छा स्वतः ही शांत होती जाएगी। जब भी आपको तीव्र इच्छा हो, आप स्वयं को यह बताएं कि आप 31 दिन का शाकाहारी व्रत क्यों कर रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, स्वयं को यह बताएं कि केवल आज के लिए मैं मांसाहारी भोजन नहीं करूंगा और सिर्फ एक दिन मांस न खाने का प्रण इतना कठिन प्रतीत नहीं होगा। स्पष्ट है कि यही प्रण आपको प्रत्येक दिन दोहराना पड़ेगा और अंत में इसका महत्व अवश्य समझ आएगा। स्वयं को याद दिलाते रहें, बस थोड़े और दिन की बात है, देखते हैं क्या होता है। क्या पता कोई बहुत सुंदर अनुभव मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। मैं अपने उदर को तो स्वस्थ बना ही रहा हूँ, साथ ही वातावरण को भी बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहा हूँ। यदि अपने लिए नहीं तो वातावरण के लिए यह त्याग करें और अपना प्रण निभाएं। अगर आपको लगे कि आप अपना प्रण नहीं निभा पाएंगे, अपने किसी प्रिय व्यक्ति को वचन दें, यहाँ प्रेम आपका सहायक होगा। आप अपने प्रिय व्यक्ति को यह वचन दें कि आप अगले कुछ दिनों तक इस वचन को अवश्य निभाएंगे। आप इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित करें जिनसे आपको साहस की प्राप्ति हो। निश्चय ही आप जानते हैं कि आपके जीवन में वह व्यक्ति कौन है। ध्यान साधना की कड़ी को भंग न होने दें। ध्यान साधना एवं शाकाहारी भोजन एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार शाकाहारी भोजन करने से आपका ध्यान गहरा होता है, उसी प्रकार ध्यान साधना से मनोबल की वृद्धि होती है।
और आप मांसाहारी भोजन को छोड़ने के अपने संकल्प पर दृढ़ता पूर्वक टिके रह सकते हैं। मन पर पड़ रहे प्रभाव के प्रति सजग रहें। जैसे जैसे आप शाकाहारी भोजन के साथ ध्यान साधना के पथ पर अग्रसर होंगे, आपको और गहरे ध्यान का अनुभव होने लगेगा। इन अनुभवों के प्रति सजग रहने से आप अपने संकल्प को सफलता से सिद्ध कर सकेंगे। यदि आप चाहें तो आप ध्यान साधना के अनुभवों की एक डायरी बना लें। अपने दैनिक अनुभव को केवल 5 पंक्तियों में लिखें। आज का ध्यान और दिनों से अलग क्यों था? क्या आपके लिए ध्यान करना सरल हो रहा है या कठिन लग रहा है? सबसे कठिन अंग क्या है? आप इस चुनौती को स्वीकार करें और स्वयं अनुभव करें और दूसरों से भी साझा करें। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटे